गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग चतुर्थ, विषय संस्कृत। बच्चों, आज आपका चैप्टर 9 लेकर मैं उपस्थित हूँ। इसका शीर्षक है समयस्य महत्व, यानी समय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। तो आज आइए मैं आपको समयस्य महत्व, जो आपका दिया गया है समय का महत्व, इसे पढ़कर इसके हिंदी अर्थ को मैं बताते हैं। बच्चों, आज मैं चैप्टर 9 लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका कि शीर्षक है समयस्य महत्व, यानी समय का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। समय का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। गया हुआ धन प्रयत्न करने पर वापस आ जाता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने हर क्षण का, अपनी जो समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो इस समय के विषय में ही बताया गया है कि समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में समय का कितना महत्व है, इस विषय में आपके इस चैप्टर में बताया गया है। जिसमें कि जो भी वाक्य दिए गए हैं उसे मैं पढ़कर उनके हिंदी अर्थ को मैं आपको बताऊँगी। गतं धनं प्रयत्नेन पुनः आगच्छति, गया हुआ धन प्रयत्न करने पर वापस आ जाता है। किं गतः समय अपि पुनः आगच्छति, क्या बीता हुआ समय भी वापस आता है? नहीं नहीं, समय अमूल्यः अस्ति। नहीं नहीं, समय अमूल्य है। सर्वदा प्रतिक्षणस्य सदुपयोगः करणीयः, हमेशा अपनी प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। अलसाः स्वकीयम् अमूल्यं कालं वृथा गमयन्ति, आलसी व्यक्ति अपने अमूल्य समय को बेकार में नष्ट करते हैं। ते कथयन्ति, वे कहते हैं, स्वः कार्यं करिष्यामि, वो कहते हैं कि कार्य कल करूँगा। ते कार्यं कुर्वन्ति, वे कार्य नहीं करते हैं। स्वभवति, कल हो जाती है। ते पुनः कथयन्ति, वे पुनः वही बात बोलते हैं। अहं स्व अवश्यं करिष्यामि, मैं कल अवश्य ही करूँगा। अयं स्व कदापि न आगच्छति, लेकिन वह कल कभी नहीं आता है। प्रतिदिनम अद्य एव भवति, प्रतिदिन आज ही होती है। अतः अद्य एव कार्यस्य आरंभ करणीयः, अतः आज ही कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। पाठः पठनीयः, पढ़ना चाहिए। स्मरणीय च, याद करना चाहिए। अपने पाठ को पढ़ना चाहिए एवं याद करना चाहिए। आलस्यं मनुष्याणां महान रिपुः अस्ति, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। अयं शत्रु मनुष्याणां महान रिपुः अस्ति, यह शत्रु जो है मनुष्यों का सबसे बड़ा बैरी है। अयं मनुष्याणां शरीरे एव वसति, यह मनुष्य के शरीर में ही बसता है। अतः आलस्य त्यागः करणीयः, अतः आलस्य का त्याग करना चाहिए। आलस का त्याग करना चाहिए। अयं नियमः स्मरणीयः, प्रतिदिनस्य कार्य प्रतिदिनं करणीयम् अस्ति, यह नियम जो है सो अपना, हाँ, यह याद करने योग्य है कि प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन करें। यह नियम हमको बना लेना चाहिए कि जिस दिन का जो कार्य है उस दिन हमें वो कार्य को अवश्य अपने समय पर कर लेना चाहिए। कल के लिए कोई भी कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। अमूल्य समय वृथा न गमनीय, हमारा जो ये अमूल्य समय है, महत्वपूर्ण समय है, उसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। अतः यतः ये समय से सदुपयोग
सदुपयोगं कुर्वन्ति ते एव जीवना जीवने उन्नति कुर्वन्ति। जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं वो अपने जीवन में उन्नति करते हैं। यूयम अपि पठनस्य काले पठत, तुम सब भी पढ़ने के समय में पढ़ो। के क्रीडनस्य काले क्रीडत, खेलने के समय में खेलो। भोजनस्य काले च भोजनं कुरुत, और खाने के समय में खाओ, भोजन के समय में भोजन करो। कालं व्यर्थं न गमयत, और समय को व्यर्थ मत जाने दो। यानी ये समय का महत्व बताता है, समय का कितना महत्व है हमारा, कि यदि हम आज का कार्य कल पर छोड़ते हैं तो कल तो कभी आता ही नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन आज ही होता है। और हम अपने कार्य को क्या करते हैं, हम अपने जीवन में अवनति ही अवनति लेकर आते हैं। लेकिन यदि हम समय का महत्व देते हैं और हम अपने कार्य को, जो कार्य हमें करना होता अपने समय पर कर लेते हैं, तो दूसरे दिन हम उन्नति के साथ अपने जीवन में और उन्नति ला पाते हैं। इस प्रकार से आपका चैप्टर जो 9 है, समयस्य महत्वम, उसे मैंने पढ़कर आपको समझा दिया है। बच्चों, आपका चैप्टर 9 जिसका कि शीर्षक समयस्य महत्वम है, इसे संस्कृत के वाक्य में पढ़ने के बाद इसके हिंदी अर्थ को भी मैंने आपको समझा दिया है। अब इस समय के महत्व के विषय में इसमें बताया गया है कि समय का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है, यानी किसी भी प्राणी के जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व है। गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। बच्चों, आज मैंने तो आपको ये पाठ पढ़ा दिया है, आगे आपका जो अभ्यास कार्य है उसे लेकर मैं फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।